हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम गूगल शीट की 7 ऐसे ट्रिक्स यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो ऐसे 7 ट्रिक्स क्या हैं गूगल शीट के, ये आज की वीडियो में पूरा एक्सप्लोर करूंगी। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रिक है टू अनप्रोटेक्ट एक्सेल शीट। अब आप सोच रहे होंगे कि गूगल शीट की हेल्प से आप किसी भी एक्सेल शीट जो कि आपने प्रोटेक्ट की हुई है उसको अनप्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपनी एक्सेल शीट में। अभी के लिए ये अनप्रोटेक्टेड है क्योंकि मैं इसमें एडिटिंग कर पा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट करूंगी। तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, ओके करेंगे, एक बार फिर से अपना पासवर्ड एंटर करेंगे एंड ओके। हमें पता है कि जब भी हम एक्सेल में किसी शीट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो उसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए हमें पासवर्ड को याद रखना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक्सेल शीट में लगा हुआ पासवर्ड भूल जाते हैं और ये फाइल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ओपन करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ आप उसका यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले गूगल ड्राइव में और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना होगा, फाइल अपलोड। अब यहाँ पे आपको वही एक्सेल फाइल अपलोड करनी है जिसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है। तो मेरी फाइल का नाम है सेल्स डेटा, इसको मैंने ओपन किया। तो देखिए गूगल ड्राइव में ये अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ये अपलोड हो गई आप इस पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। आपकी एक्सेल की फाइल यहाँ पे गूगल शीट में ओपन होगी और जब एक बार आपकी फाइल गूगल शीट में ओपन हो जाएगी आप किसी भी सेल पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करके देखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे टाइपिंग हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एक्सेल शीट वहाँ पे प्रोटेक्टेड थी यहाँ पे आके वो अनप्रोटेक्ट हो गई है, आप एडिटिंग कर पा रहे हैं। अगर मैं आपको एक्सेल फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे एडिटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। तो इसको मैं अभी कर देती हूँ क्लोज। तो एक बार जब आपका डेटा सारा एक्सेल यहाँ से गूगल शीट में आ जाएगा तो आपने अब क्या करना है, दोबारा जाना है फाइल में और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट करना है। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपना गूगल शीट से डेटा एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये डाउनलोड हो गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। देखिए सेम नेम से लेकिन ब्रैकेट में आ गया है 1 और प्रोटेक्टेड व्यू में आपका वो सारी फाइल एक्सेल में कन्वर्ट होके ओपन हो गई है। अब आपने यहाँ पे एडिटिंग करनी है तो आप इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और अब देखिए आप किसी भी सेल में क्लिक करें और अब आप एडिटिंग कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेल फाइल हमारी प्रोटेक्टेड थी और जिसका पासवर्ड हम भूल चुके थे उसको आपने गूगल शीट की हेल्प से अनप्रोटेक्ट किया और अब आप उसमें कोई भी एडिटिंग जो है वो कर पाएंगे। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ। तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे। तो गूगल शीट में आ गई हूँ। गूगल शीट में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बनाई है, लेकिन ये सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब इसका मतलब क्या है, जब भी आप एक्सेल में कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो डायनेमिक नहीं होती नेचर में। डायनेमिक का मतलब ये है कि वो ऑटो सजेशन आपको नहीं देती। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे सिंगल वर्ड लिखा डी, तो जैसे ही डी लिखा तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ गई हैं, दीपिका और धीरज। तो इसको हम बोलते हैं ऑटो सजेशन। ये आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन आपको मिलेगी गूगल शीट में। अब आपने क्रिएट कैसे करनी है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। कोई भी सेल आपने क्लिक कर लेना है जहाँ पे आपने इस तरह की सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना है। नेक्स्ट आप जाएंगे डेटा टैब में, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन, कुछ इस तरह का आपके पास ओपन होगा। ऐड रूल पे क्लिक करेंगे,
सबसे पहले है ये रेंज जो आपने सेल सिलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आप क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, क्या क्राइटेरिया फिक्स करना चाहते हैं। तो मैं एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहती हूँ, मेरे पास एक रेंज होगी, रेंज में मुझे क्या देना है, ये इम्प्लाई नेम्स देने हैं। तो मैं ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे मुझे रेंज देनी है, तो मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगी। तो देखिए यहाँ पे आ गया है सिलेक्ट डेटा रेंज। तो मैं वो डेटा जो मुझे इस ड्रॉप डाउन में दिखाना है, तो मैंने सारे एम्प्लॉयज के नेम सिलेक्ट कर लिए हैं, ओके। जैसे मैंने ओके किया तो देखिए ये सारे नीचे आ गए हैं यहाँ पे नेम्स, और इसको करेंगे डन। तो जब मैं यहाँ पे लेके आऊंगी तो देखिए कोई भी मैंने नेम सिलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जी प्रेस करती हूँ तो देखिए ये मुझे दो ऑप्शंस दे रहा है, एक है गौरी और दूसरा है गौतम। तो इस तरह से गूगल शीट में आप अपना सर्चेबल ड्रॉपडाउन लिस्ट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड ट्रिक की तरफ। थर्ड में आप जब भी आपने स्पार्क लाइंस बनानी होती हैं तो वो आप विद इन द सेल गूगल शीट में बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा एक सिंपल फॉर्मूला जिसका नाम है स्पार्क लाइन ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले इसमें है डेटा, तो मैंने अपना यहाँ पे डेटा सिलेक्ट कर लिया है और एंटर प्रेस करूंगी। तो देखिए ये मुझे ट्रेंड बता रहा है कि सबसे पहले जो सेल है वो 520 मींस मैक्सिमम थी, फिर सेल कम हुई, फिर उसी लेवल पे सेल जो है आपकी चल रही है। तो इसी तरह से आप बाकी डेटा का देखना चाहते हैं तो नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपको पूरा ट्रेंड दिखाएगा आपके डेटा का कि किस तरह से डेटा में आपके वेरिएशंस जो हैं वो हो रही हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे फीचर की तरफ। अगर आप अपने गूगल शीट में देखना चाहते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे गूगल शॉर्टकट्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट बताऊंगी मैं। कंट्रोल के साथ आपने फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करना है, तो जैसे कंट्रोल प्लस आप फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करेंगे तो ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आ गए हैं आपके गूगल शीट के। तो अगर आप कभी भी गूगल शीट में काम कर रहे हैं, कोई भी शॉर्टकट आप भूल जाते हैं या आपको शॉर्टकट देखना है, तो अब आपको गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप इस शॉर्टकट को यूज़ कीजिए तो झट से आपके सामने सारे के सारे गूगल शीट्स के शॉर्टकट आ जाएंगे और यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। और इसमें अगर आप गूगल शीट में कुछ भी रोज या कॉलम्स को फ्रीज करना चाहते हैं, तो फ्रीज का मतलब ये होता है कि वो वाली रोज और वो वाली कॉलम्स हमेशा आपको दिखाई देंगे, आपका डेटा ऊपर नीचे जाता रहेगा लेकिन वो फ्रीज हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। तो बहुत सिंपल है, ये देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, जब आप यहाँ पे लाइन के ऊपर लेके जाएंगे ये कुछ हैंड का सिंबल आपका बन जाएगा, तो आप नीचे करके इसको इस तरह से ड्रैग करके छोड़ देंगे, तो जहाँ तक आप छोड़ेंगे उतने आपकी जो रोज हैं वो फ्रीज हो जाएंगी। तो जैसे आपका बहुत बल्क में डेटा है, आपको नीचे नीचे जाने की ज़रूरत पड़ रही है, आप नीचे जाते जाएंगे लेकिन ये जो ऊपर वाली आपका जो हेडर रो होगी ये आपकी क्या हो गई, फ्रीज हो गई। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपकी आईडी है, सेकंड में आपकी जनवरी की सेल है, फेब की सेल है, मार्च। अदरवाइज क्या होता है कि अगर मैं इसको फ्रीज ना करूँ, इसको अनफ्रीज करते हैं वापस, तो देखिए जब मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूँगी तो देखिए वो सारी रोज यहाँ से हट गई हैं, मुझे नहीं पता चल रहा कि फर्स्ट रो में मेरे पास फर्स्ट कॉलम में क्या डेटा है, सेकेंड कॉलम में क्या डेटा है। तो ये काम होता है फ्रीज रोज एंड कॉलम का। सिमिलरली कॉलम्स को आप इस तरह से इधर ले जाएंगे, तो जब आप इधर से इसको इस तरह स्क्रॉल करेंगे कॉलम्स को, तो ये वाले जो आपने फ्रीज किए होंगे वो आपके सेम रहेंगे, तो कुछ इस तरह से। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास फिल्टर व्यू। अब फिल्टर व्यू बेसिकली होता क्या है कि आप अपने डेटा को फिल्टर करते हैं और वो फिल्टर डेटा आप किसी के साथ शेयर करते हैं। तो फिल्टर व्यू आप कैसे क्लिक करेंगे, आपने अपने डेटा के जो फर्स्ट आपकी रो है उस पर क्लिक करना है, डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फिल्टर व्यू और देन क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू। अब आप देखिए यहाँ पे फिल्टर्स लग गए हैं, इसको आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ नॉर्थ का डेटा जो है वो फिल्टर करना है, तो मैं यहाँ से साउथ और ईस्ट को हटा दूंगी एंड ओके करूंगी।
तो जैसे ही ओके किया तो ये देखिए नॉर्थ का डेटा जो है वो फिल्टर होके आ चुका है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम है फिल्टर वन, यहाँ पे आप नॉर्थ मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये मेरा सिर्फ नॉर्थ का डेटा है। तो अगर अब ये डेटा आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो अगर आपकी ये शीट जो है वो सेव नहीं की है तो आपने सबसे पहले इसको सेव कर लेना है। और देखिए यहाँ पे है कि आपने ये शेयर किसके साथ करनी है अपनी शीट। डेटा को वापस लाने के लिए आप ये फिल्टर व्यू को यहाँ से क्रॉस के सिंबल से क्लिक करेंगे तो आपका जो फिल्टर व्यू है वो यहाँ से हट जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट फीचर की तरफ जो कि है यूनिक फंक्शन। यूनिक फंक्शन गूगल शीट में एक ऐसा फंक्शन है जो आपको यूनिक वैल्यूज ला के देगा। तो उसके लिए आपको लिखना होगा इक्वल्स टू यूनिक ब्रैकेट स्टार्ट। तो ये सबसे पहले एक रेंज लेता है। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया, ये मेरी रेंज है, ब्रैकेट क्लोज की एंड एंटर। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे मेरी वैल्यूज रिपीट हो रही थी नॉर्थ साउथ ईस्ट, और इसने मुझे इस पूरी रेंज में से यूनिक वैल्यूज मुझे लाके यहाँ पे दे दी हैं। तो अगर आपके भी डेटा में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं कॉलम्स में जो बार बार रिपीट हो रही हैं और आपको यूनिक वैल्यूज देखनी है तो आप इस फॉर्मूला का यूज गूगल शीट में ईजिली कर सकते हैं। तो ये थी आज की ऐसी 7 ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और डेफिनेटली आपके जो बॉस हैं वो आपसे इम्प्रेस होने वाले हैं। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।